आज का प्रोग्राम जो था नवचंडी हवन पूजा रखी थी। नवचंडी हवन पूजा से सुबह से माँ दुर्गा की पूजा होती है, वो पाठ होते हैं माँ दुर्गा के, और बाद में हवन होता है। हवन के बाद हम लोगों ने नवरात्र का आयोजन किया था, जो गरबा होता है, और श्री दीपक भाई आए हमारे यहाँ पधारे और उन्होंने अच्छे से हमें गरबा मतलब खुद गाए और हम सब ने गरबे घूमे, तो बहुत आनंद हुआ। कल सा मैडम के जो घर प्रोग्राम होता है आप आते रहते, उनसे पूछिए आज उनको कैसा लगा दीदी के घर आके। बहुत आनंद आया, हम लोग पंजाबी भजन गाते हैं, मगर इनकी कृपा से, माता जी की कृपा से हमने दो दिन में गुजराती भी सीख ली, तो बहुत अच्छा आनंद, हमको भी आनंद आ रहा है, इनको भी आनंद आ रहा है। तो माता जी सदा इन पर कृपा बनाई रखे, माँ भगवती सदा हमारी बहनों पर, और जो भी जिन्होंने कार्यक्रम किया, बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया। माता जी नवरात्रों में पूजा भी हुई, चंडी यज्ञ भी हुआ। चंडी यज्ञ का बहुत महत्व है, जिस स्थान पे होता है वो सारा शहर पवित्र हो जाता है, वातावरण शुद्ध हो जाता है, माँ की कृपा सब भक्तों पर होती है। इसीलिए हवन दुर्गा पूजा की, दुर्गा पूजा से हमें शक्ति मिलती है और भक्ति भी मिलती है। इसीलिए सारे ब्रह्मांड में, खाली मुंबई में नहीं, सारे विश्व में दुर्गा पूजा होती है। दुर्गा पूजा से सारे भक्तों को शक्ति मिलती है, और ये खाली हिंदुस्तान में ही, सारे विश्व में माता जी की पूजा होती है। बहुत सच्चे दरबार की जय, बोल अंबे मात की जय। और कहां कहां होने वाला है अभी? अभी तो 10 दिन से हम लगातार कर रहे हैं, आज भी है प्रोग्राम और कल भी है, 10 दिन से, मगर इतने थक जाते हैं, मगर माता हमको शक्ति देती है, गुणगान 24 घंटे चलता रहता है। ये सभी भक्तों का आशीर्वाद है, मेरी दीदियों का आशीरवाद है, माता जी इनको सदा कृपा करें। सूरत से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? दीदियों से आए हैं प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। मैम के बारे में क्या बोलूं? हूं गुजरात से हमें लोग आविया छे, અને આ કલ્પના બ્રહ્મભટ્ટે આજે જે યજ્ઞ કર્યો છે, નવચંડી યજ્ઞ કર્યો છે, એ ખરેખર ખૂબ પ્રશંસ્ય હતો અને ખૂબ પવિત્ર હતો, અમને ખૂબ જ આનંદ આવ્યો છે। અને તે પછી એમને જે ગરબાનું આયોજન કર્યું, એ ગરબે ઘૂમી અમે ખૂબ જ આનંદ કર્યો છે, ખૂબ જ આનંદ કર્યો છે। બસ માતાજી એની ઉપર હંમેશા કૃપા વરસતા રહે, એ અમારા કલ્પના બ્રહ્મભટ્ટ એ મારી બહેન છે, અને મારા આશીર્વાદ છે કે એની ઉપર હંમેશા માતા રાણીના આશીર્વાદ વરસતા રહે અને સુખ શાંતિ સમૃદ્ધિથી ભરપૂર રહે એવા આશીર્વાદ છે। યે કિતને સાલ સે કર રહી હો ઓર ફ્યુચર મેં એ કિતને સાલ સે કર્યું એસા નહીં હોતા હે, માતા કી જબ કૃપા હોતી હે તભી હોતા હે, માતા રાણી ની કૃપા કરી ઓર ઉનકી કૃપા સે હી સબ હુઆ હે। ઇસકે લિયે કોઈ મેં આપકો ફિક્સ ટાઈમ યા કોઈ સાલ યા કોઈ મહિના નહીં બતા સકતી હું, બટ બસ ઉનકી કૃપા સે સબ હુઆ। જબ માતા રાણી કી કૃપા હોતી તભી આપ, હા ઉનકા જબ બુલાવા આતા હે, ઉનકી જબ ભક્તિ કરને કી हमें शक्ति देती है तभी होती है। माता रानी की कृपा से सब आयोजन अच्छी तरह से हुआ, माता जी की जय हो। कल्पना ने मुझे यहाँ इनवाइट किया क्योंकि ये भी माता की भक्त है और मैं भी, जितनी खुशी मिली मुझे यहाँ आके डांस करके माता जी का जयकारा लगा के, वो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। और माता रानी की जिस श्रद्धा से कल्पना ने पूजा रखी है, माता रानी उससे दुगना दे दे इसे, ये मेरा माता रानी से दुआ है। जय माता की जय। आइए ना, काफी अच्छा परफॉर्म भी किया, तो क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? पहले तो मैं कल्पना जी को बहुत दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगी, वो इतना अच्छा काम हमेशा करती है, माता रानी का हमेशा चौकी रखती है, कुछ ना कुछ करती रहती है माता रानी के लिए। पर इस बार उन्हें मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा माता रानी की चौकी के यहाँ बुला के मुझे कथक का क्लासिकल परफॉर्मेंस करने का मौका दिया। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हर। माय सिस्टर ये बहुत अच्छा करती है क्लासिकल डांस, मैं चाहती हूँ कि बस इसमें बहुत ज्यादा प्रगति करे, प्रोग्रेस करे और आगे बढ़े। थैंक यू सर। हम परफॉर्मेंस कथक का तो देखो करते ही रहते हैं परफॉर्मेंस, कहीं ना कहीं जहाँ पे भी हमको मौका मिले हम करते हैं। ये हमारे जीजा हम लोग को चाहेंगे, आज सारी साहिबा ने आपको इतना अच्छा प्रोग्राम किया, इतना एंजॉय किया, आपने क्या शुभकामनाएं रही? हम लोग ने बहुत ही एंजॉय किया, हम लोग ऐसे इच्छा रखते हैं कि हर साल वो करे और हम इस तरह से उसमें पार्टिसिपेट करें,
और बहुत ही बड़ा हम लोग को एक सत्संग जैसा काम हुआ और बहुत आनंद आया इसके अंदर। कितनी शुभकामनाएं आप? मुझे बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके साथ, सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है। मेरी बहन ने किया, उन्होंने हर साल हम लोग बोलते हैं कि हर साल ऐसा करें, सबको बुलाए, सबकी कृपा है, हमारी सबकी प्रार्थना उनके पर ही रहे। जय माता जी। हमें अच्छा मौका मिला दीपक जी के थ्रू, दीदी ने हमें बुलाया है कि कल्पना जी के थ्रू के हमें मौका मिला डांडिया रास खेलने, क्योंकि 9 दिन के नवरात्रों में हम बहुत बिजी थे, लेकिन इस बार हमें भी डांडिया रास खेलने का और गाने का मौका मिला। और इसके अलावा बस बहुत साचे दरबार की जय कि हमें मौका मिल गया माँ के हाजिरी लगाने का। कल्पना जी इतनी स्वीट लग रही कि माँ की खुद रोशनी जैसे चमक रही है, उनके मुँह पे माँ का नूर आ गया है। सही बात। कोई अलग अलग तरीके हैं, कोई गा के मना रहा है, कोई नाच के मना रहा है, मकसद एक ही है, माँ की भक्ति करना, माँ को मनाना। और माँ प्रसन्न है, वो सच्चे दरबार की जय। कल्पना इसी तरह आगे भी कार्यक्रम करते रहें, हमें फिर सेवा का मौका दें। जय जय माता दी, सच्चे दरबार की जय। सब लोग